अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। आबकारी मामले में 29 अप्रैल तक बड़ी न्यायिक हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी किए गए थे पूर्व डिप्टी सीएम। कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सीएम जगदीश सेट्टार टिकट ना मिलने से नाराज थे नेता। माफिया ब्रदर्स की हत्या पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा अपराधी है तो क्या गोली मार देंगे। समलैंगिकों के विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का तर्क, शहरी अभिजात वर्ग की सोच पूरे समाज पर नहीं थोप सकते, कानूनी मान्यता के लिए दायर की गई है कई याचिकाएं। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग को लेकर सेना और पुलिस अधिकारियों ने की प्रेस वार्ता, आपसी रंजिश के कारण जवान ने की थी चार की हत्या, सोते समय किया था चारों सहयोगियों पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश और में पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी के लखनऊ से बाहर के दौरे के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दस्ता मुहैया कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, ऐसे में कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान उन्हें बड़ी सुरक्षा दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उनके क्लोज प्रोटेक्शन का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ लखनऊ में बड़ी बैठक की, इसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम के सारे सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं दौरे पर जाने पर अतिरिक्त सुरक्षा दस्ता तैनात करने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी के पास अभी जेट प्लस सुरक्षा मौजूद है। बता दें कि देश भर में करीब 40 लोगों को ही जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता शामिल हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस के सामने हत्या किए जाने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार एक्शन में है और इस मामले में जांच के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट ने SIT का गठन भी किया है। इस SIT ने सोमवार को कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई भी की है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जब से अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उत्तर प्रदेश में 144 धारा लगा दी गई है, इसके साथ साथ अब सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया ये जा रहा है कि अगर वो किसी भी दौरे में जाएंगे तो उस दौरान उनको कड़ी सुरक्षा मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए सत्य में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से सीएम की सुरक्षा बढ़ाएगी उसमें सुरक्षा जो थी उसको कहीं और चाक चौबंद किया जाएगा। जो घेरा था, सुरक्षा घेरा, उसको कहीं ना कहीं और बढ़ा दिया गया, चाहे इसमें सीएम हो डिप्टी सीएम हो दोनों उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से, जिस तरीके से आने वाले आगामी चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो उसमें भी उनके रोड शो लगे हैं और कर्नाटक में जिस तरीके से आगामी रैलियां लगी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सुरक्षा भी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा घेरा को बढ़ाया, सुरक्षा घेरे को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो जहां उनका आवास है वहां भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है, चुस्त दुरुस्त कर दी गई है और आपको आने वाले समय में और उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखेगी और जो सुरक्षा घेरा है उसको बढ़ा दिया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। जी
इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो दो डिप्टी सीएम हैं उनके जो कामकाज इस दौरान है, जो भी रैली वगैरह थी, सारी कुछ अभी रद्द कर दी गई हैं सुरक्षा को देखते हुए। देखिए, जो बाद में इस पे अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद ये बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके सभी कार्यक्रम रहेंगे। और लगातार मीडिया में जो खबरें चल रही थी तो उसका कहीं ना कहीं खंडन किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं, देर शाम इसका खंडन किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ देखना, ये देखने वाली चीज ये है कि शुरू में तो ऐसा बताया जा रहा था कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी रैली रद्द कर दी, लेकिन जो उनकी मीडिया एडवाइजरी आई उसमें कहा गया ऐसा कुछ नहीं है। और आप, हाँ, ये एक चीज महत्वपूर्ण उसमें बताया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है सुरक्षा घेरा उसे बढ़ा दिया गया है, और जो अब जो सुरक्षा कर्मी है वो काफी सतर्क रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो उनके आवास पर, उस पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पहले लोग आसानी से जो फरियादी मिल लेते थे तो कहीं ना कहीं फरियादियों को मिलने के लिए भी अब काफी सुरक्षा घेरों से गुजरना होगा। ये काफी महत्वपूर्ण है और ये काफी जरूरी भी था, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था की गई है। सिद्धार्थ, ये बताया जा रहा है कि सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, डिप्टी सीएम की भी सुरक्षा बढ़ा दी, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कई जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस दिन से ये अतीक हत्याकांड हुआ था, अतीक की जो अतीक और उसके भाई की जब हत्या कर दी गई थी सूत्रों द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई। और धारा 144 लागू करने के बाद पूरे यूपी में कहीं ना कहीं जो लगातार सीएम ऑफिस है या सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो पंचम तल पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर आधे घंटे पर अपडेट लिया जा रहा है कि जिलों की क्या स्थिति है, जिलों में किस तरीके से कानून व्यवस्था है और किस तरीके से सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और उसकी लगातार प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या करने वाले तीनों आरोपी लवलेश कुमार तिवारी, सनी और अरुण मौर्य को नैनी जेल से अब प्रतापगढ़ जिला कारागार में शिफ्ट करा दिया गया है। और इस हत्याकांड के तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में दाखिल करा दिया गया है। प्रयागराज की नैनी जेल में ही अतीक अहमद का बेटा अली अहमद बंद है और इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। इस हत्याकांड को लेकर अतीक के वकील विजय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये राजनीतिक मर्डर है। इसके साथ ही विजय मिश्रा ने कहा है कि बंद लिफाफे में मरने वाले का नाम लिखा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि बंद लिफाफे में मरवाने वाले का नाम लिखा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब वो अशरफ से बरेली जेल में मिले थे तो उससे मिलने के दौरान अशरफ ने उन्हें कुछ बताया था और इस लिफाफे का जब खुलासा होगा तो मरवाने वाले का नाम भी सामने आएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, अतीक और अशरफ के जो हत्यारे हैं उनको अब नैनी जेल से हटाकर प्रतापगढ़ कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कल जो है दिन रविवार था और उसके बाद जो है पुलिस ने 14 दिन की रिमांड पर जो है उन्होंने नैनी जेल में रखा था पूछताछ के दौरान। इसके बाद आज जो है प्रतापगढ़ के लिए ये निकल रहे हैं, वहाँ प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो क्योंकि अभी जो है 500 मीटर की दूरी बनाई गई है, बैरिकेड कर दिया गया है पूरे इलाके को, क्योंकि नैनी जो सेंट्रल जेल है उसके बाहर जो है 500 मीटर की बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर मीडिया का भी जो है जाना प्रतिबंध कर दिया गया है कि वहां पर मीडिया भी नहीं जा सकती है। इसको लेकर जो है साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्योंकि इलाहाबाद में, प्रयागराज में वो नेटवर्क जो है नेटवर्क इशू है, इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ये लेके निकलने वाले हैं प्रतापगढ़ जेल के लिए। इसको लेकर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगातार मुस्तैद है और इसके जो है साथ में ही कई टीम का गठन हुआ है। इस एसआईटी टीम की जो अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उसमें उच्च स्तरीय जांच भी बैठाई गई, लेकिन जो तीन शूटर थे उसमें सबसे अहम और बड़ी बात कि उनको अब नैनी सेंट्रल जेल से प्रयागराज से अब प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट किया जाएगा। जी सत्यम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और अरविंद केजरीवाल, और आपको उस समय बड़ा झटका लगा है जब कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचंद्र और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण और मनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर जिले में एक रैली को संबोधित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने वादा किया कि राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम कौन होगा इसका खुलासा नहीं किया है। जानना जरूरी है कि कर्नाटक कांग्रेस के दो दिग्गज नेता डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम बनने को लेकर होड़ मची हुई है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण में 50% कैंप को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पीएम ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन मोदी सरकार ने इस जनगणना की रिपोर्ट को जारी नहीं किया। जनगणना की ये रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उसकी नींव बसवना जी ने दिखाई थी। दुख की बात है कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं और देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा बसवना जी की विचारधारा के खबर अयोध्या से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अयोध्या रेंज के सभी 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया है कि रेंज के सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी से संवाद स्थापित किया जा रहा है। 5 जिलों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनजीवन सामान्य है। इसके अलावा अयोध्या को भी अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या में एसपी सिटी मधुबन सिंह ने के नेतृत्व में भ्रमण किया जा रहा है। दरअसल अयोध्या रेंज में 5 जनपद अयोध्या, बाराबंकी, मेरठ, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर हैं। जनपदों में कुशलता है, सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और सभी लोगों से संवाद है और हम लोग पूरी तरह से अपनी गत्यात्मकता बनाए हुए हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं, सभी कुछ सकुशल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अमित, माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कुछ देखने को मिला इस दौरान? क्योंकि देखने को मिला है कि तमाम जगह पर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। जी
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अयोध्या में जो प्रयागराज में जब घटना हुई है और जो आतिक और अशरफ की हत्या हुई थी, उसके बाद से धारा 144 लगा दी गई, जिसको देखते हुए अयोध्या के जो अधिकारी हैं, यहाँ के डीआईजी रेंज हैं और अयोध्या के जो एसएसपी हैं, उन्होंने रात की गश्त करना शुरू कर दिया था और संवेदनशील जगहों पर पूरा निगरानी रखे हुए थे और जो रात में निकल रहे थे उनसे पूछताछ भी कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, जो है उसके बाद से पूरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी, जो धार्मिक स्थल है उसको बढ़ा दी गई थी। वहां पर जिना बिना आधार कार्ड के जिसका घर था वो आधार कार्ड चेक करके उसके बाद वहां पर जाता था और पूरी अयोध्या को सील कर दिया गया था और हर एक पॉइंट पे जो है नजर रखी जा रही थी। अमित, जो संवेदनशील इलाके हैं उनको देखते हुए यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे जो भी संवेदनशील थे वहाँ पे अधिकारियों ने लगातार भ्रमणशील रहे और रात भर भ्रमणशील रहे, उसके बाद जो भी वहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पर रात भर पीएससी और जो फोर्सेज थी वो वहाँ पे लगा दी। चलिए अमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हमीरपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर माफिया विरदर्श के हत्यारे सनी सिंह का घर अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं जो हत्यारे सनी सिंह हैं उनका जो घर है वो अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, परिजनों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने घर के चारों तरफ की बैरिकेडिंग की है, परिजनों ने मीडिया कर्मियों से मिलने से मना भी कर दिया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं सनी सिंह के घर के बाहर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, परिजनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और मीडिया से मिलने के लिए परिजनों ने मना कर दिया है। तो हमीरपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाली निषाद पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी के सामने ही अपना पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करके सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बहराइच में बीजेपी से एक तरफ सुधा उम्मीदवार बनाई गई हैं, जबकि निषाद पार्टी से पूजा निषाद को टिकट देकर अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसको लेकर आज दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल किया है। अब ऐसे में आम जनता के सामने इन दोनों पार्टियों को लेकर बेहद असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी की भागीदारी आज प्रदेश अध्यक्ष को लिस्ट दे के आए हैं और पूरे प्रदेश में उन्हें मिल रहा और जगह जगह उनके भी नाम जा रहे हैं, लेकिन जो जीत सकता उसी को ना, भले हमारे पार्टी का भागीदारी होगा तो पार्टी इसीलिए आई है कि हम जीतें। निषाद पार्टी कितने सीटों की? मैंने कहा ना कि हमने नगर पालिका का, नगर पंचायत का और वार्ड का, जितने भी हमारे लोग हैं, ये गोपनीय मामला होता नंबर का। नहीं, खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, मामला डॉक्टर संजय निषाद जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं हम लोग किसी के खिलाफ। और इस खबर पर हमारे साथ केसी जैन, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी जी, धन्यवाद। सर, दो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, एक तो निषाद पार्टी से और एक आपकी पार्टी से, जिसको लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और निषाद जी ने पहले ही 9 सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से की थी जी। और उन्होंने स्वयं कहा था कि हमको मेयर की कोई भी सीट नहीं चाहिए, लेकिन नगर निगमों में और नगर पंचायतों में वो 5-5 9 सीटों की मांग कर रहे थे। देखिए, अभी कोई चीज की पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अभी टिकट, अभी जो लोग नामांकन कर रहे हैं, नामांकन वापसी का भी पूरा समय है और पार्टी ने टिकट दिया है या कि या फिर पार्टी का नाम लेकर के कोई निर्दलीय लड़ रहा है, तो ये सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आज क्योंकि नामांकन हुआ है, नामांकन में जिन लोगों को पर्चा भरना था अपना पर्चा भरा है और बाकी चीजें बैठ करके तय हो जाएंगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो अभी टिकट वापसी का भी, नाम वापसी का भी पूरा टाइम है,
ऐसे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कोई बगावत करके इस तरीके से चुनाव में प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था संजय निषाद जी ने कि हम कोई भी मेयर की सीट नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में जब नौ सीटों की वो मांग कर रहे थे और पार्टी के साथ बैठक भी हो गई थी, तो हमें नहीं लगता है कि कोई विरोधाभास या आपस में कोई टकराव की स्थिति है। देखिए केसी जैन जी, वो बात अपने में ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, ऐसे में जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? नहीं देखिए, अभी पूरा समय है और निषाद पार्टी के संजय जी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से हैं। अभी उनकी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, चौधरी जी से भी और संगठन के हमारे जो महामंत्री जी हैं, संगठन महामंत्री जी, उनसे भी, पाल जी से भी लगातार बातचीत हुई है और भी जो घटक दल है उनके साथ भी बातचीत हुई है। जो पार्टी के कैंडिडेट है उनकी सारी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है, और फिर भी अगर कोई कहीं पे कोई इस तरीके की बात है तो बैठ करके आगे बातचीत हो जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कहीं पे भी इस तरीके की बात है या निषाद जी अपना कैंडिडेट टिकट देके खड़ा करेंगे, ऐसी कहीं पे भी कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। और अगर कहीं पे किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से ऐसा कुछ हुआ है तो बैठ के चर्चा हो जाएगी। अभी नाम वापसी का पूरा समय है और उसमें से कैंडिडेट का नाम वापस भी हो सकता है। जब तक कि लास्ट डेट नाम वापसी की ना निकल जाए, तब तक ये कह देना कि दोनों पार्टियों के कैंडिडेट आमने सामने, हमें लगता है सही नहीं। लेकिन सर बैठ के चर्चा हो जाएगी, जब पहले से भी निषाद जी ने कह दिया था कि एक ही पार्टी का ही उतरेगा, चाहे निषाद पार्टी से हो या फिर बीजेपी से हो, फिर ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए? आप कह रहे हैं चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये फैसले तो ऊपर से ही होते हैं ना, अपने से तो प्रत्याशी फैसले ले नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, देखिए निषाद जी के साथ पूरी चर्चा हुई थी और निषाद जी ने आप लोगों के माध्यम से भी कई बार कहा, प्रेस वार्ता में भी उन्होंने कहा कि हम अलग से कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतार रहे हैं और जो पार्टी का कैंडिडेट होगा वही निषाद पार्टी का कैंडिडेट होगा और उसी को लड़ाया जाएगा। ये जरूर है कि निषाद पार्टी ने अपने जिन जिन सीटों को उन्होंने मांगा था, उन सीटों की उन्होंने लिस्ट दी थी कि हमारे यहाँ यहाँ से कैंडिडेट संयुक्त रूप से उतारे जाए, और उसको लेकर के चर्चा भी हुई थी। पार्टी के अंतर्गत सारे चीजें तय होने के बाद में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो उसको बैठ करके दूर कर लिया जाएगा, लेकिन जब तक नाम वापसी की गुंजाइश है तब तक ये कह देना कि दोनों पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने है ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और कहीं से भी, मैं बिल्कुल आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कहीं से भी कोई टकराव की स्थिति आपको निषाद पार्टी और भारतीय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मायावती ने मेयर प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। 10 कैंडिडेट की लिस्ट में 6 मुसलमान प्रत्याशी हैं। मायावती का निकाय चुनाव में मुस्लिम, गांव और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के लिए नई चुनौती है। यूपी में नगर निकाय के चुनाव और दिलचस्प हुए हैं, क्योंकि अब मायावती ने भी मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 10 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 6 मुस्लिम नाम हैं मुस्लिम प्रत्याशियों के, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इसी बीच अमरोहा से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। नामांकन के दौरान किया गया है आचार संहिता का उल्लंघन। प्रत्याशी समेत 27 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर पंचायत से चेयरमैन शाहिना और उनके पति पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान भारी भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। उप निरीक्षक राम निवास शर्मा की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रत्याशी शाहिना सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अमरोहा के थाना नौगामा सादात कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि भारी भीड़ इकट्ठा करने का प्रत्याशी पर आरोप है, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अमरोहा से अहम जानकारी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण चहल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं।
अरुण, ये बड़ा जो मामला सामने निकल कर आया है, यहाँ पर प्रत्याशी पर मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए सत्यम, बताना चाहूंगा, अमरोहा की नोगामा नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी हैं साइना, और ये जो कल नामांकन पत्र दाखिल करने गई थी, इस दौरान यहाँ पर जमकर आचार संहिता की धज्जी उड़ाई गई है। सैकड़ों के तादाद में जो समर्थक थे वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, ऐसे में धारा 144 भी लगी हुई है, तो इन सबके जो समर्थक थे यहाँ पर उनके द्वारा धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहीं पुलिस ने भी इन लोगों पर एक्शन लिया है, 7 नामजद और इसमें 15 से 20 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा है। बात करें जो खुद प्रत्याशी हैं उन पर मुकदमा हुआ है, उनके पति पर मुकदमा हुआ है, और लगभग 27 लोग जो है कुल उन पर जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, आगरा की बात करेंगे। आगरा में मेयर पद के लिए बसपा ने जारी की है लिस्ट, डॉक्टर लता बाल्मीक को मेयर पद का बनाया गया है प्रत्याशी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस ने लता कुमारी को प्रत्याशी किया है घोषित। वहीं सपा की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने जूही नित्य को बनाया है अपना प्रत्याशी। भाजपा ने हेमलता दिवाकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, निकाय चुनाव के मद्देनजर नामांकन का आज आखिरी दिन है गोरखपुर में, जहां अंतिम दिन पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की गहमा गहमी देखी गई। वहीं गोरखपुर की सबसे प्रतिष्ठित सीट माने जाने वाली महापौर सीट पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी यानी कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर मंगलेश ने कहा है कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। बिजनौर का रुख करेंगे, बिजनौर के कीरतपुर के पूर्व चेयरपर्सन पति अब्दुल मन्नान ने समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर अपने भारी समर्थकों के साथ नामांकन किया है। आपको बता दें कि कीरतपुर के पूर्व चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने नामांकन करवाया है, और वहीं अब्दुल मन्नान के साथ दर्जनों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे हैं। साथ ही नगीना सपा विधायक मनोज भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देख सकते हैं नामांकन किया गया है। इस दौरान नेता और समर्थक भी मौजूद रहे हैं। आगरा में भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद सूची जारी कर दी है। आगरा मेयर पद के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक यानी कि हेमलता दिवाकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव में दिवाकर और कुशवाहा समाज के समीकरण साधने की कोशिश की गई है। भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर पूर्व विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वह आगरा ग्रामीण से विधायक चुनी गई थी। इसके अलावा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बेबी रानी मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा गया था। वह योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि हेमलता दिवाकर को मेयर पद का प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने दिवाकर और कुशवाहा समाज को खुश करने का प्रयास किया है। हेमलता दिवाकर के पति कुशवाहा हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों ही समाज से भाजपा को अच्छे परिणाम की उम्मीद है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।